जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव, और आज जय हम लोग बिजली आए थे, महादेव। जय बिजली महादेव। तो आज आए थे हम लोग कटराई डीएवी स्कूल में। वहाँ पे क्या स्कूल प्रोग्राम था, वहां स्कूल फिट स्कूल फिट प्रोग्राम थे। तो अभी यहाँ पे हमें जो स्कूल है फिट लंच के लिए लेके गए थे देवलोक पतलीकुल, और साथ 15 मील, 15 मील 15 मील, सॉरी या 15 मील। और साथ में हमारे साथ है युवा कवित्री, इनका कविता सुना होगा आपने, मानवी शर्मा जी, और सोशल वर्कर हैं। और साथ में है मैडम जी है, जो कि एजुकेशन विभाग में ही हैं। और हमने सुना है कि मैडम जी अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा गाते हैं, और इनका थैंक यू हॉबीज है गाने को, और टैलेंट बहुत है, मैंने थैंक सुना यू, हूँ बहुत 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 टैलेंट ज़्यादा, है, बहुत और ज्यादा। लगता है ऐसा। तो थैंक यू। मैडम जी कुछ हो जाए इतना हसीन वादियों में। हाँ 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 जी व्हाई नॉट। जी हमने सुना है बहुत ही ज्यादा अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छा गाते हैं आप, तो क्या आप हमें कुछ आज सुनाएंगे, कुछ खास क्या सुनाएंगे? आप लोकल किन्नौरी हिंदी? देखिए मैडम जी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप जो बोलिए वो उस भाषा में ये गा सकती हैं। चलिए चलिए, आपका जो मन कर रहा है आप उसी भाषा में हमें फिलहाल कोई गाना सुना दीजिए। थैंक यू। अभी जस्ट मैंने आइसक्रीम भी खाई हुई है तो मेरा गला थोड़ा साफ सा हो बैठा गया हुआ है, फिर भी चलो मैं ट्राई करती हूँ। आई बिल्कुल, होप आप सभी को मेरा ये जो मैं गाने जा रही हूँ वो पसंद आए, और तो साथ लाइक साथ में हम शेयर इधर से कमेंट घूम के के, थ्रू आप मुझे प्यार दीजिएगा। तो बहुत बढ़िया। अम्मा पूछे क्या दी बात है, सुन दिए मेरी ये हो, अम्मा पूछे पूछे दी दी सुन दिए मेरी ये हो, दे बोला दुबली तू किया करी होई हो दिए बोला दुबली तू किया करी होई हो, पारली भणिया मोर जो बोले हो, पारली भणिया मोर जो बोले हो, अम्मा जी नी मोरे निंदर गवाई हो, अम्मा जी नी मोरे निंदर गवाई हो। थैंक वाह यू। वाह वाह वाह, हिंदी भी हो जाए। क्या साथ में बात है, हमारे साथ युवा हिंदी में कवित्री, ओके। युवा कवित्री है, हाँ युवा चलो, कवित्री है, जो कि पूरा जिला कुल्लू में और पूरा हिमाचल में जो हमने कविता से जो है एक खुशबू बिखा रहा है। तो या मैडम जी एक हिंदी में हो जाए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो वाओ, फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल क्या बात है, क्या बात है, ये रियल कहानी है, खिलते क्या हैं, बात है। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, यहाँ पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं, वाह कुछ लोग मिलके भी छुड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं, क्या एक बात है, रोज चले जाते हैं जो दिन हो रात सुबह हो शाम, वो क्या बात है। फिर नहीं आते, वो फिर नहीं चलते आते। थैंक चलते इतना अच्छा अच्छा यू, जय क्या बात है, माता दी। क्या बात है, अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त, थैंक बहुत ही यू जबरदस्त, थैंक यू थैंक बहुत ही यू। जबरदस्त। हमारे दर्शकों को बताना कि मैडम जी का गीत बेहतरीन कैसा है? जो इन्होंने अपना सुर बिखरा है, हाँ, तो कैसा लगा। लाइक शेयर एंड कमेंट के थ्रू पूरन भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू। मानवी जी को सुनाना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, मानवी जी भी कुछ एक कविता के माध्यम से ही। लो जी, कविता के माध्यम से बताओ कुछ संदेश। एक ज्यादा तो नहीं, अभी जो शायरी मुझे याद आ रही है मैं आपको वो सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझ बेघर को आशियां ए कल्ब मिल गया। वाह क्या बात है। मुझ बेघर को आशियां ए कल्ब मिल गया, मोहब्बत का सिला मुहाल इंतजार मिल गया। क्या बात है। मोहब्बत का सिला मुहाल इंतजार मिल गया, अब याद नहीं आ रही, रुक जाओ थोड़ी देर। दर्शकों देरी के लिए माफी चाहेंगे क्योंकि मुझे मेरा लिखा हुआ कुछ याद नहीं रहता है। क्या बात। तब तक के लिए मैं एक सहरा में भी गुल खिले, क्या बात, कदमों तले मंजिल मिले। क्या बात। सहरा में भी गुल खिले, कदमों तले मंजिल मिले। याद रखो तो शुक्रिया, याद रखो तो शुक्रिया, भूल भी जाओ तो गम नहीं। जिंदगी में मिलेंगे बहुत, पर होंगे उनमें हम नहीं। वाह क्या बात है, क्या बात है। ऐसे शायरी बहुत अच्छा मैडम ने बोला। ये एक मैसेज है, ये होता एक्चुअली में ऐसा ही होता है। जो मैडम जी ने जो गीत गाया वो बहुत अच्छा संदेश है, उसमें गौर करेंगे हम सब। बिल्कुल। और मैडम जी अभी शायरी सुनाएंगे। तब तक पूरन भाई जी आप अपने कुछ आप अपने गुनगुनाएं, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, क्योंकि हाँ, पूरन जी हम जानते हैं पूरन जी काफी बार जॉब भी कर चुके हैं। हाँ, और उसके बाद ये बिजनेस में भी हैं, प्रेस में भी हैं, मतलब बहुत जगह पूरन जी ने अपना नाम कमाया है, पूरा जाला बिछाया हुआ है। सबका सहयोग, सपोर्ट और प्यार। यस हाँ जी। 2017 से मैं ब्लॉगर हूँ। ओके। और 2017 से कंटिन्यू, उसके लिए यूट्यूब फेसबुक थोड़ा पैसे देते हमारे को और देते हैं। अच्छा, एक और खास बात, आज भाई ने तंबोला में फुल हाउस जीता हुआ है तो लग रहा है पार्टी शायद ड्यू है। कब तक भाई हमारी पार्टी? Anytime. हाँ, 5000 फुल हाउस का। 5000 या 100 था शायद। 5000 तो यार साइकिल भी, साइकिल चला सकते हैं आप? कहाँ पर मैं गिर जाऊंगी? साइकिल चला सकते हैं क्या? अंदर लिमिटेड ही जा सकते हैं अंदर? पता नहीं, पता नहीं, नहीं जा सकते जाने के लिए। मान भी मिला नहीं तुझे यार? निकालो, पुराने फोन में था ना मेरे। ये देखो बुद्धा, बुद्धा नहीं आई क्या? कुलवी टोपी में आदमी, नाक मुंह वाला आदमी। होती ये जो स्थान है ये 15 मील में देवलोक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी लोग अपना लंच करने, डिनर करने, एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो सभी यहाँ पर क्या बात आ सकते हैं। क्या बात। और अपना खाली समय यहाँ पर अच्छे से बिता सकते हैं। बहुत ही शांति प्रिय स्थान है, तो हमें भी यहाँ पर अच्छा लगा कर, तो आशा है कि नेक्स्ट टाइम फिर से विजिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, भाई पूरन का साथ रहा तो हम अवश्य आएंगे। क्यों मानवी शर्मा? बिल्कुल जी। मानवी शर्मा भी अपनी कविता को ढूंढती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जो मुझे मिली है अभी मैं आपको वो सुनाती हूँ। दोस्तों मैंने लिखा है, सुर्ख जो देखते दो नैन मेरे थे। वाह। सुर्ख जो देखते दो नैन मेरे थे, तूने सियाह सा पर्दा डाल दिया। तूने सियाह सा पर्दा डाल दिया, बिखरा दिल जब समेटा जा ना सका। गुनहगार है वफा मैंने खुद को मान दिया। गुनहगार है वफा मैंने खुद को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जी, क्या बात, जबरदस्त। अभी और दोस्तों फोन में फोटोज इतने ज्यादा हो चुके हैं, स्टोरेज फुल, स्टोरेज मेरे को बार बार मैसेज कर रही है। और पूरन भाई की जो स्टिक है वो भी लड़खड़ा रही है शायद। नहीं नहीं है, थक गए आप क्या? नहीं नहीं, दो आप मैं पकड़ूं? नहीं, क्या बात है। आप लेके टिकट देखो जी, दूसरी बार सुनाती हूँ। मुझ बेघर को आशियां ए कल्ब मिल गया। कल्ब यानी दिल। दिल मुझ बेघर को आशियां ए कल्ब मिल गया, इस मोहब्बत का सिला मुहाल इंतजार मिल गया। मुहाल मतलब मुश्किल। इस मोहब्बत का सिला मुहाल इंतजार मिल गया,
निगाहों की खता से तो दौरे इश्क खिल गया। वाह वाह वाह। निगाहों की खता से तो दौरे इश्क खिल गया, कर कबूल है हकीकत उम्र का हमें साथ मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। क्या बात, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और मैं हूँ आपके लवली दोस्त पूरा बोलिए ना, कल एक बार बनाएंगे।